हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा दीक्षित पांडे ब्लॉग। और मैं शिखा दीक्षित आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और लेके आती हूँ नैनीताल पार्ट 2। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। हमने पार्ट 1 में नानक माता गुरुद्वारे में दर्शन करे थे और उसके बाद हम पड़े थे आगे अपने दर्शन और जहाँ जहाँ हमें करने हैं वहाँ के लिए। और रस्ते में थोड़ा सा इंजॉय करते करते हम पहुँच रहे हैं अपने आने वाले जो हमें जहाँ दर्शन करते हैं वहाँ पे। और अब हम पहुँच गए हैं वहीं पर जहाँ हमें दर्शन करने थे नीम करौली बाबा के। बहुत ही विख्यात बाबा हैं और सबकी आस्था श्रद्धा इन पे बहुत ज़्यादा है। और हमने भी यहाँ पे दर्शन किए और वहाँ का आपको भी दर्शन करवाने के लिए लेके आए हैं। और अंदर यहाँ भी अलाउड नहीं है दर्शन कर फ़ोटो खींचना या वीडियोस बनाना, तो वो तो हमने नहीं अच्छे से बनाया, थोड़ा बहुत बस छुप छुपा के जैसे बन पाया उतना ही बनाया। और बाकी प्रॉपरली एक अच्छा सा वीडियो अंदर नहीं शूट कर पाए थे क्योंकि अलाउड ही नहीं था, बहुत ज़्यादा सख्ती थी और भीड़ भी थी, लेकिन सख्ती और से ज़्यादा थी तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो रहा था बनाने के लिए वीडियो। और थोड़ी बहुत कोशिश के बाद थोड़ा बहुत मैं बना पाई थी, वरना वो भी नहीं बन रहा था। और खैर, हम लोगों ने ऐसे ही करते करते दर्शन तो बहुत अच्छे करे हुए और दर्शन बहुत अच्छे हो भी गए थे हम लोगों को। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो उसके कारण बहुत रुकना नहीं हो रहा था, बस केवल चलते चलते ही दर्शन करे, लेकिन दर्शन हो गए। और फिर हम लोगों ने बाहर निकल के फिर बहुत फ़ोटो शूट किया हुआ है और कुछ वीडियोस भी बनाए हुए हैं। ये है नीम करौली बाबा का मेन डोर और यहाँ पे है एक छोटा सा पुल, तो वहाँ पे भी सबने बहुत ज़्यादा फ़ोटोज क्लिक करवाई हैं और हम लोगों ने भी करवाई हैं। और फिर ये देखिए दूर से, यहाँ से मैंने वीडियो लेने की कोशिश करी है। ये है बाहर से पूरा लुक है नीम करौली बाबा जी के मंदिर का, ये बाहर से इस तरह से लगता है। मैंने दूर से एक वीडियो बनाने की कोशिश करी थी जिससे पूरा मंदिर बाहर से आ जाए। और फिर हम लोग निकल पड़े थोड़ा सा देखने के लिए इधर उधर क्या हो रहा है, और कुछ फ़ोटोज फिर भी क्लिक करते जा रहे थे, रोड पे भी खड़े होके भी हम लोगों ने क्लिक करी हैं। और अब हो गया है बहुत ज़्यादा टाइम तो, और लग रही है सबको ज़ोरों की भूख, तो हम लोग घर से पूरी और सब्ज़ी बना के लेके गए थे, वो हम लोगों ने किया। और उसके बाद फिर निकल पड़े आगे पहाड़ों की खूबसूरती लेने के लिए। दर्शन तो हमने बहुत कर लिए, अब थोड़ा सा नेचर का भी हम लोग दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ मिल रहे हैं इतनी गर्मी में। वहाँ पे नैनीताल में थोड़ा रिलैक्स सा फील हो रहा था, ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। पहाड़ों को देख के तो वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैंने शूट करने की भी बहुत कोशिश करी हुई है कि मोस्टली जितने ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ मैं शूट कर सकूँ या फ़ोटो क्लिक कर सकूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ में पहाड़ और नेचर को ही कैप्चर करने की कोशिश करी हुई है। वीडियोस और फ़ोटोज़ तो अपने भी खींचे हुए हैं और सबके भी खींचे हुए हैं, लेकिन नेचर का मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आ रहा था, तो मैंने यहाँ जल्दी किसी के और का फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक ही नहीं करी, बस के नेचर को कैप्चर कर दिया। और बाद में थोड़ा बहुत आगे बढ़ के हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया, क्योंकि मैं हर एंगल से कोशिश कर रही थी कि पहाड़ों को दिखा पाऊँ और अपने फ़ोटोज़ वगैरह उनकी क्लिक कर पाऊँ। तो बहुत मैंने कोशिश तो करी, आई होप सो आपको पसंद भी आएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था पहाड़ों को कैप्चर करना। उससे पहले मैंने कभी इतने ज़्यादा पहाड़ वगैरह देखे तो थे, बट क्योंकि ब्लॉगिंग वगैरह मैंने अभी स्टार्ट करी थी तो इतना ज़्यादा मैं क्लिक नहीं करती थी, बस केवल आँखों से ही उनकी सुंदरता को देखती रहती थी। और अब हम
बढ़ गए हैं आगे की ओर, जहाँ अब हम लोग जा रहे हैं झील में, झील को देखने। लेकिन पार्किंग इतनी दूर है कि हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। पार्किंग तक स्लो स्लो जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आई थिंक रश है, तो पार्किंग बहुत ज़्यादा भरी होगी, तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत स्लो स्लो ही गाड़ियाँ जा रही हैं। और फिलहाल तो अभी हम लोग पहले जाते हैं पार्किंग पे और वहाँ पे गाड़ी को पार्क करते हैं और उसके बाद इंजॉय करते हैं झील में फुल मस्ती के साथ। वो आप भी देखिएगा हम लोगों ने क्या क्या झील में किया हुआ है। और फिलहाल तो ढूंढ रहे हैं पार्किंग पे गाड़ी को पार्क करने के लिए। किनारे लोगों को जाना है और पार्किंग को ढूंढना है, तो झील बराबर होती जा रही है। फाइनली हम लोग पार्किंग के पास पहुँचे हैं और उससे पहले पार्किंग से थोड़ा सा पहले यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं गेम, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड करा हुआ है। और अब हम लोग पहुँच गए हैं पार्किंग पे और यहाँ पे गाड़ी को कर रहे हैं पार्क और उसके बाद जाते हैं आगे इंजॉय करने के लिए झील में। और ऊपर चढ़ो, तो एक बार आप उसे बताइएगा कमेंट करके आपको कैसी लग रही है। यहाँ पर जब तक गाड़ी पार्क हो रही है तब तक हम लोग शुरू हैं अपने अपने काम में। क्या कर रहे हैं वो आप लोग देखते हैं, देख ही रहे हैं बस, केवल वीडियोस बन रहे हैं। अभी तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों ने रास्ते में भी बनाए हैं कुछ वीडियोस और फ़ोटो क्लिक करी हैं और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं झील में बोटिंग करने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे बोटिंग करने के लिए, लेकिन ट्राई कर रहे हैं, बोट मिल रही है और हम लोग जा रहे हैं। और ये देखिए बोट जहाँ से स्टार्ट होनी है वहाँ पे कितनी मछलियाँ बड़ी बड़ी पड़ी हुई थी। और शिप तो बोट पे बैठ भी गए पहले और फिर बैठते हैं हम लोग भी और चलते हैं एंजॉय करने झील में। उसके लिए हमें भैया रुकना पड़ेगा और हम रुक सकते नहीं है, हमें जाना है। शुभ शुभ भाई यार, अरे पहला तो है, क्या गिरोगे? हमें तो तैरना भी नहीं आता है, हम में से किसी को तैरना नहीं आता है, पापा भी शायद नहीं आता है, इससे उतनी सेफ्टी थोड़ी ना। और बोट पे हम लोगों ने मजे बहुत करे हुए हैं, बहुत बकवास भी कर रहे थे हम लोग, वो आपने सुनी ही भी होगी। और पानी की आवाज़ बड़ी प्यारी लग रही है। पापा वीडियो चलते रहिए। ये खाली बना दिया है। अब अच्छी बनेगी। ठीक है भैया, तो आपका चश्मा कहाँ? हम गाड़ी और नाव चलाते चलाते यहाँ पे जो नाव चला रहे थे उनका इंट्रोडक्शन भी मैं अच्छी तरीके से ले रही थी। अल्मोड़ा क्यों? एक सेकंड के लिए बंद करेंगे, बस एक सेकंड के लिए।
और अब कैमरा थोड़ी देर के लिए है शिव के पास। पूछिए तो यहाँ इतना प्यारा लग रहा है, ये देखिए कितना प्यारा सा पानी, कितने अच्छे अच्छे पहाड़। मेरा तो बिल्कुल भी करने का ही मन नहीं कर रहा है, लेकिन वापस अब नाव घूम चुकी है, उतार देगी। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लग रहा और चक्कर मारती हूँ भी है। लेकिन हवा भी बहुत अच्छी लग रही है, ठंडी ठंडी, तो और भी अच्छा लगता है। और नेचर तो है ही है बेस्ट, बिल्कुल कितना प्यारा पानी, कितने अच्छे अच्छे पहाड़, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन जब से ब्लॉगिंग करी है और आप लोगों को दिखाने के लिए जब से ब्लॉग्स बनाने शुरू करे हुए हैं, तब से कुछ अलग ही एक्साइटमेंट होता है। और सच पूछिए तो इतनी बार यहाँ आने के बाद में भी मुझे इस बार यहाँ आना और नेचर के इतने क्लोज जाना बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत मज़ा भी आ रही है, और मेरा बिल्कुल भी वापस जाने का मन नहीं हो रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं झील के किनारे और उतरने का टाइम आ गया है, लेकिन उतरने की बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये लड़की तो मेरे जाने वाले लगती है, ने बहुत एंजॉय किया होगा मेरे ब्लॉग के थ्रू। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा। और उतरने के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने वीडियो शूट भी किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।